शेयरिंग विथ यू व्हाइट बोर्ड. नाउ व्हाट वी विल डू टुडे, वी विल कवर व्हाट टुडे, वी विल कवर जैकोबियन एज कैरोलिन एज. When we talk about Jacobian age, they remember that J A C O B E A N, Jacobian age. 1603 से 1625. You will come to know that this is what, this is the Jacobian age, and this Jacobian age, it covers the period from 1603 से 1625. जो जैकोबियन एज है इसकी जो डेट है उसमें देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू गेट. नंबर वन, जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक है, और यह जो जैकोबियन एज जो 1603 से 1625 तक है यह किसके बाद आता है, यह एलिजाबेथन एज के बाद आता है. और इसको जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है? मे आई नो कि वेदर दिस स्लाइड इज विजिबल आर नॉट. Someone said no. Is सबको विजिबल है? या ओके ओके. सो आई एम टेलिंग यू कि वी ऑल आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग जैकोबियन एज, एंड दिस जैकोबियन एज इट कवर्स द पीरियड, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1603 टू 1625. नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाई इट इज कॉल्ड जैकोबियन एज. इट इज कॉल्ड जैकोबियन एज बिकॉज उस समय के जो राजा थे उनके नाम पर रखा गया था. उस समय के जो राजा थे जेम्स फर्स्ट थे. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर कि जेम्स फर्स्ट वाज द किंग ऑफ, जेम्स फर्स्ट वाज द किंग ऑफ दिस एज. इस एज के जो राजा थे वो जेम्स फर्स्ट थे. जेम्स फर्स्ट को लैटिन में जैकब के नाम से एड्रेस किया गया. इन लैटिन ही हैज बीन एड्रेस्ड In Latin, he has been addressed as Jacob. He belongs to Stuart dynasty. He belongs to Stuart dynasty. So what did I tell you? I just told you one important thing कि इस समय के जो राजा थे उनका क्या नाम था, जेम्स फर्स्ट था, और वो जो राजा थे उनको लैटिन में किसके नाम से जाना जाता है, लैटिन में उनको जो है he has been addressed as Jacob. लैटिन में इन्हीं जेम्स को जैकब कहा गया और इसीलिए इसका नाम जैकोबियन एज रखा गया. दूसरा चीज कि वो किस एज से बिलोंग, किस डायनेस्टी से, किस राजवंश से बिलोंग करते हैं. He belongs to Stuart dynasty. S-T-U-A-R-T. This is dynasty. So this dynasty is very important. He belongs to Stuart dynasty. I think now you got it. Yeah. Now, yeah. Kisi ko agar is point pe koi problem ho, to you can ask. James first was the king of this age. In Latin, he has been addressed as Jacob. If anyone has any problem, he or she can ask. Now the second point that is highly significant ki why this age is important, because we are not going to study the historical data of that age ki
what the war was fought by fought by the king, what was the political situation of that age. No, not at all. Being the student of literature, we have to go what was the condition of literature, what happened in the field of literature, who were the prominent dramatists, who were the prominent poet. So because we are not the historian, we are not the student of the history, ki we are going to collect data, ki what the war was fought, what was the culture. No, not at all. Waisa study nahi hai. To hame literature ke perspective se study karna hai. Literature ke perspective se aap ye dekhenge ki the age was famous for drama. The age was famous for drama. जो एज था वह किसके लिए फेमस रहा है, वह ड्रामा के लिए फेमस रहा है. और ड्रामेटिस्ट में भी जो तीसरा ये तो एक तीसरा पॉइंट है कि द एज वाज फेमस फॉर ड्रामा. एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, द एज वाज फेमस फॉर ड्रामा. उसके बाद अब सवाल ये उठता है अगर ड्रामा के लिए फेमस रहा तो कौन कौन से प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट इस एज में रहे हैं. तीसरा पॉइंट, बेन जॉनसन, एंड विलियम शेक्सपियर. बेन जॉनसन एंड विलियम शेक्सपियर वर द प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज, वर द प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज. इस एज के जो महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट हैं उसमें से मैं फिर से उनको अंडरलाइन कर रहा हूं. एक तो बेन जॉनसन और दूसरा आपके विलियम शेक्सपियर. यह एज किसके लिए फेमस रहा है आपका? अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो जो है विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज के बारे में बताया. अनडाउटली विलियम शेक्सपियर का ज्यादातर काम या उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एलिजाबेथन एज में आता है. लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो विलियम शेक्सपियर है उनकी जो डेथ हुई है वह कब होती है, 1616 ईस्वी में होती है. तो ऐसी कंडीशन में उनकी जिंदगी का कुछ हिस्सा जैकोबियन एज में भी आता है. खासकर शेक्सपियर की जो चारों ग्रेट ट्रेजिडीज हैं, वो चारों ग्रेट ट्रेजिडीज कब पब्लिश होती है, उनकी ग्रेट ट्रेजिडीज जो है जैकोबियन एज में पब्लिश होती है. चाहे वो हैमलेट हो, चाहे वो मैकबेथ हो, चाहे वो किंगलियर हो, चाहे वो ओथेलो हो. एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, 1602 को छोड़ करके, खास करके हैमलेट को छोड़ दिया जाए तो उनकी ट्रेजिडीज जो है इस पे आती है. तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनका जो लास्ट कंप्लीट प्ले है, जो टेम्पेस्ट है जिसको आप रोमांस कहते हैं, वह भी किस एज में पब्लिश होता है, वह भी इसी एज में पब्लिश होता है. चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर का जो सॉनेट है, जो उनका कलेक्शन ऑफ सॉनेट है जो 1609 ईस्वी में आया था, वह भी इसी एज में पब्लिश होता है. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखवा भी दे रहा हूँ. उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर से संबंधित जो पहला जो है आपका वो हुआ था, क्या कहते हैं कि उनका जो फर्स्ट फोलियो ड्रामा का आया था जो 1623 ईस्वी में आता है, वह भी जो है क्या है कि इसी एज में आता है. तो अगर आप केवल शेक्सपियर को ही लेकर के बात करेंगे तो शेक्सपियर के बहुत सारी चीजें जो है आपको इस एज में देखने को मिलेंगी. खास करके जो शेक्सपियर का फोर्थ फेज है लिटरेरी कारियर का, वह उस एज से बिलोंग करता है. तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को लिख दूं, ये तो थर्ड स्लाइड थी. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ राइटिंग द फोर्थ पॉइंट. जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है. शेक्सपियर्स सॉनेट्स, अबे लिखने की जरूरत नहीं कि उन्होंने 154 सॉनेट लिखा है, बार बार पता है. शेक्सपियर सॉनेट्स पब्लिश्ड इन दिस एज.
1609 बाई थॉमस थॉर्पे। सो यू विल कम टू नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि शेक्सपियर का जो सोनेट है, शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड इन दिस एज इन 1609 बाई थॉमस थॉर्पे। एक लाइन में तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियर का सोनेट 154 है, वह 1609 ईस्वी में थॉमस थॉर्पे के द्वारा इसी एज में पब्लिश होता है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इफ यू हैव डन तो आई हैव टू चेंज स्लाइड। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, शेक्सपियर्स शेक्सपियर्स द लास्ट कम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट द लास्ट कंप्लीट प्ले द लास्ट कंप्लीट प्ले विच हैज द थीम ऑफ कोलोनियलिज्म NIALISM पब्लिश्ड इन दिस एज। ये एक और दूसरा पॉइंट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट है, जो उनका लास्ट कंप्लीट प्ले है, दैट इज द ये भी आपको अंडरलाइन करता है, द लास्ट कंप्लीट प्ले विच हैज द थीम ऑफ कोलोनियलिज्म, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे पॉइंट, विच हैज द थीम ऑफ कोलोनियलिज्म, द लास्ट कंप्लीट प्ले, द टेम्पेस्ट पब्लिश्ड इन दिस एज, ये बात कब की है, 1611 ईस्वी की, 1611 में आया हुआ। सो ये सारा का सारा चीज जो है शेक्सपियर से रिलेटेड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। एक और पॉइंट जो छठा पॉइंट है जो इसी एज को कवर करता है, SHAKESPEARE शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो of his plays came in 1623 came in 1623 by Hemingway and Condell Hemingway and Condell CONBELL। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एक तो हेमिंगवे नाम के एक आदमी ने और दूसरा कॉन्डेल नाम के आदमी ने शेक्सपियर के पहले फोलियो को लाया हुआ है। हेमिंगवे एंड कॉन्डेल, ये नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो पीछे वाली स्लाइड है उसमें एक डेट है कि उनका फर्स्ट फोलियो, जो फर्स्ट फोलियो है इसका फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज प्लेस वो कब आता है, 1623 ईस्वी में आता है। तो ये चीज आपको अंडरलाइन करना या हाइलाइटर से करना जरूरी है कि शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज प्लेस केम इन 1623 एंड इट वॉज ब्रॉड बाय हुम, इट वॉज ब्रॉड बाय हेमिंगवे एंड कॉन्डेल, हेमिंगवे और कॉन्डेल के द्वारा लाया गया।
Now the next point या डिड यू गेट, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेम्बर, इसके बाद जिस आथर को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, आथर का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट डेट मानी जाती है, दैट विल बी द 7th पॉइंट। एक क्वेश्चन आता है कि ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल कब आया था, मैं उसका आपको हिस्ट्री भी, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर आदमी को पता होना चाहिए, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। AUTHORISED, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। आई टोल्ड यू कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो मेनी टाइम्स इन टीजीटी पीजीटी एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस पॉइंट हैज बीन आस्क्ड। सो रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल? व्हाट हैपेंड कि जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, इन्होंने कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई थी और उसमें इन्होंने आदेश दिया था कि राजा की तरफ से या परमिशन दिया जाता है कि द बाइबल शुड बी ट्रांसलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पब्लिक फ्रीली विदाउट टेकिंग वेन अ सिंगल पेनी, इट शुड बी डन। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड इट कम, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कम इन 1611। नाउ आफ्टर टेकिंग दीज पॉइंट्स वी हैव टू टेक अनदर पॉइंट, दैट इज व्हाट कि अब हम लोग जो बात करेंगे, इस एज के एक इम्पॉर्टेंट राइटर है बेन जॉनसन। जैसा कि हमने बताया था ड्रामा में दो नाम, विलियम शेक्सपियर और दूसरा बेन जॉनसन। तो शेक्सपियर का जो हिस्सा आया था वही मैंने डिस्कस किया, बाकी सारे हिस्से कहाँ पे आते हैं, बाकी सारे हिस्से एलिजाबेथन एज में आते हैं, जो कुछ हद तक हमने किया था। लेकिन आपको जब शेक्सपियर एज एन आथर पढ़ाएंगे तब आपको और बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए आप परेशान ना होइएगा कि क्या शेक्सपियर पे इतनी ही बातें करें। नो, नॉट एट ऑल। शेक्सपियर एज एन आथर हमें अलग से लेना है, इसलिए वहां पे है। बेन जॉनसन वॉज ही वॉज बॉर्न इन 1573। मैडम लेट मी कंप्लीट। 1573, डाइड 1637। या मैडम, नाउ यू कैन आस्क। हेनरी एट्स उनका वर्क का जो है वो रहता है, वो इनकम्प्लीट उनका था। हेनरी एट्स का भी मेंशन है, इनकम्प्लीट वर्क था जो बाद में फ्लेचर के द्वारा कंप्लीट किया गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट बेन जॉनसन, 1573 से 1637। बेन जॉनसन के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ही वॉज द फर्स्ट लॉरिएट पोएट। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका और कई बार पूछा जा चुका, ही वॉज द फर्स्ट लॉरिएट पोएट, पहले दरबारी कवि थे, लॉरिएट पोएट। यहीं से लॉरियरशिप का शुरू होता है इन्हीं के जमाने में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ही वॉज द फर्स्ट लॉरिएट पोएट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
He is known as father of comedy of humor. He is known as father of comedy of humor. उनको किसके नाम से जाना जाता है? उनको फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो एक पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट। पहले लाउरिएट पोएट से मैंने बता दिया कि हु इज अ लाउरिएट पोएट। लाउरिएट पोएट वह होता है जो किसी राज दरबार में रहता है या राज दरबार की शोभा बढ़ाता है, उसको हम लोग लाउरिएट पोएट कहते हैं। दूसरा चीज मैंने बताया कि ही इज नोन एज व्हाट, ही इज नोन एज फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये दूसरा पॉइंट बनता है। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो ये चीज आता है कि ही यूज्ड फ्रेज माइटी लाइन्स, MIGHTY, माइटी लाइन्स फॉर द वर्सेस यूज्ड बाई क्रिस्टोफर मार्लो। दिस इज एन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वॉट क्रिस्टोफर मार्लो। ये चीज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि उन्होंने कौन सा फ्रेज यूज किया हुआ है। उन्होंने जिस फ्रेज का यूज किया है उसका नाम है माइटी लाइन्स, सशक्त लाइन ने। किसके लिए? फॉर द वर्सेज यूज बाई क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने जो ब्लैंक वर्ड्स यूज किया है अपने ड्रामा में, उसके लिए इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है? उसके लिए इन्होंने माइटी लाइन्स, दिस इज MIGHTY, माइटी लाइन्स फॉर द वर्सेस यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट पॉइंट, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कुछ हैं, मैं उनका नाम लिख दे रहा हूं। हिज वर्क जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसमें से एक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इन हिज ह्यूमर HUMOUR। दूसरा सिंथियाज रिवेल्स, तो एक जो मैं उनके वर्क का नाम लिख रहा हूं या क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का एग्जाम्पल है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। उसके बाद उनका एक और वर्क है सिंथियाज रिवेल्स, REVELS, दिस इज एन अदर वर्क सिंथियाज रिवेल्स। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड इज द पोएटेस्टर। एक चीज पूछा जा चुका है, पोएटेस्टर किसका है? ये लिटरी टर्म का हिस्सा बनता है द पोएटेस्टर। पोएटेस्टर उसको कहा जाता है जो रियली में जिसके अंदर पोएट की कोई क्वालिटी ना हो लेकिन वह पोएट बनने की कोशिश कर रहा हो। वन हु इज नॉट अ पोएट बट प्रिटेंड्स टू बी अ पोएट, जो पोएट ना हो लेकिन पोएट बनने की बहानाबाजी करे उसको क्या कहा जाता है? द पोएटेस्टर कहा जाता है। नाउ द फोर्थ इज वालपोन, वालपोन
और द फॉक्स, किसी का वालपोन का फॉक्स भी है। एंड द फिफ्थ इज द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट। नेक्स्ट एपीसील, ई पी आई सी ई एन ई। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, द एल्केमिस्ट, एपीसील। वालपोन, दीज आर द वर्क्स ऑफ दिस मैन। जो एपिसीन है इसको आर साइलेंट वुमेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रहे हैं आर आर द साइलेंट वुमेन, एस आई एल ई एन टी, द साइलेंट वुमेन, आर द साइलेंट वुमेन। उनका दो रोमन ट्रेजिडीज भी था जो नेक्स्ट है। सीजेनस एंड कैटलिन, एस ई जे ए एन यू एस, ये भी पूछा जा चुका है। सीजेनस एंड कैटलिन, सी ए टी आई एल आई एन, सीजेनस एंड कैटलिन आर His two great tragedies. Two great Roman tragedies, जो उन्होंने रोमन कैरेक्टर को लेकर के लिखा है, रोमन टी आर ए जी ई डी आई ई एस। सो वी कम टू नो अनदर पॉइंट कि एक वर्क उनका सीजेनस है, दूसरा वर्क उनका कैटिलीन है, और यह किसका एग्जाम्पल है, रोमन ट्रेजिडीज का एग्जाम्पल है। मैं फिर से स्लाइड को बैक करूंगा, एक एक पॉइंट आपको फिर से मैं बता रहा हूँ। व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने बताया कि सीजेनस और कैटलिन उनका रोमन ट्रेजिडीज है। फिर मैंने बताया कि ये सब उनके वर्क हैं, द पोएटेस्टर, वालपोन, वालपोन को द फॉक्स भी कहा जाता है, द एल्केमिस्ट है, एपिसीन है, और जो पोएटेस्टर है मैंने बताया था यह लिटरी टर्म का भी हिस्सा है। और कैसे हिस्सा है कि जो लिटरी टर्म है उसमें इस चीज को दिखाया जाता है कि पोएटेस्टर जो है इट्स अ लिटरी टर्म का पार्ट है, कि वन हु इज नॉट अ पोएट बट प्रिटेंड्स टू बी पोएट, जो पोएट नहीं है बट पोएट बनने की कोशिश करते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उनका क्या है, यह उनका जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का एग्जाम्पल है। बाकी मैंने आपको जो स्लाइड बताया था उसमें उन्होंने बताया था कि पहला जो है उनको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट लाउरिएट पोएट का, और ही इज नोन एज फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ही यूज फ्रेज माइटी लाइन फॉर द वर्सेज यूज बाई क्रिस्टोफर मार्लो। सो इन दिस वे यू कम टू नो वट डिड आई से या वट आई वॉन्ट टू टेल यू, इन दिस वे यू गॉट इट। इस तरह से एज एन आथर आपका मैंने इनको कम्प्लीट किया है, लेकिन इतने से ही यह जी नहीं। वेन वी टॉक अबाउट ओल्ड राइटर, तो ओल्ड राइटर का बहुत वेल नोन ओल्ड राइटर नहीं, जब आप वेल नोन ओल्ड राइटर कह देते हैं तो सीधे हमें जॉन कीट्स पे जाना पड़ता है। कारण है कि उनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, किंग ऑफ ओल्ड इंग्लिश ओल्ड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ओल्ड लिखा था, इन्होंने ओल्ड लिखा था, और ओल्ड में जो है इन्होंने एक पार्टिकुलर ओल्ड को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, परहैप्स दैट वॉज द होरेशियन ओल्ड, क्या Perhaps that was the, जब मैंने आपको ओड पढ़ाया तो उस समय मैंने बताया बट आई एम मिसिंग, इन्होंने ओड को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, पिंडारी कोड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था, ना कि वो एकदम से वेल नोन ओड राइटर हो जाएंगे। ही इंट्रोड्यूस पिंडारी कोड, फर्स्ट वन हु इमिटेटेड पिंडारी कोड, पहले राइटर थे जिन्होंने पिंडारी कोड को इंग्लिश में इमिटेट किया। So, इतने से ही आपका खत्म नहीं होगा। इसके अलावा अभी आपको दो स्कूल पढ़ने, जो दो लिटरेरी स्कूल, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यही खासियत है कि जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो
उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें क्लियर होती चलती हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा स्कूल किस एज में आया। जैसे इस जमाने में दो स्कूल आए हुए हैं, एक स्कूल आपका है जिसका नाम है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, और दूसरा कैरोलिन, सॉरी कैवालियर का, वो आएगा बाद में आएगा कैवालियर का, लेकिन इस जगह पे जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स, उसको हमें पढ़ना है। तो आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल द स्लाइड्स। हाँ तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन जैकोबियन एज एंड टू राइटर्स विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन, बट आई एम गोइंग टू टेक इस एज में एक स्कूल आया हुआ था पोइट्री के फील्ड में, क्या काम हुआ था पोइट्री के फील्ड में। यू विल कम टू नो इस एज में मेटाफिजिकल पोएट्स या मेटाफिजिकल पोइट्री। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट, और वी विल टॉक अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री। जब भी ये बात आएगी कि मेटाफिजिकल पोइट्री कब आई है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब सीधे जैकोबियन एज। मेटाफिजिकल पोइट्री से पहले किस तरह की पोइट्री को आप पढ़े हुए हैं या आपको जानकारी मिली हुई है मेटाफिजिकल पोइट्री से पहले? या एलिजाबेथन एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएट्स मैंने आपको बताए थे? या विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस यॉर्ट, हेनरी होवर्ड अर्लाव, सॉरी ये पांच नाम आपको याद रखना चाहिए। नाउ वी आर टेकिंग व्हाट, नाउ वी आर टेकिंग मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। व्हेन आई टॉक अबाउट मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, तो सबसे पहला चीज की हमें ये जानना चाहिए कि इसके फादर कौन रहे। जॉन डन वॉज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जॉन डन, वॉज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। या जॉन डन वॉज द फादर, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मेटाफिजिक शब्द है या क्या रिफर करता है, मेटा प्लस फिजिक्स दो शब्द है, PHYSIC, यस मेटा का जो मेटाफिजिक्स, ये दो शब्द है जिसमें से मेटा मीन्स बियॉन्ड, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक मीन फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब कि मेटाफिजिक एक ऐसी पोयम है, मेटा प्लस फिजिक, मेटा प्लस फिजिक, मेटाफिजिक एक ऐसी पोयम है जो मेटा मीन्स बियॉन्ड, जो कि क्या करता है बियॉन्ड है, फिजिक मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड से परे है, फिजिक मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, मेटा मीन्स बियॉन्ड। सो यू विल कम टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट मेटाफिजिक इट मीन्स व्हाट। मेटाफिजिक इट रिफर्स टू अ पोयम विच इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड से परे है, जो फिजिकल वर्ल्ड से के बियॉन्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेटाफिजिक कहते हैं। सो रिमेम्बर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मेटाफिजिक, दिस मेटाफिजिक रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू मेटा, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। नंबर टू पॉइंट,
इसका मतलब इसमें किसके बारे में बात की जाती है कि जो भौतिकी है, भौतिकी का मतलब जो दुनिया का स्वरूप है, जो दुनिया के स्वरूप को वी सी विद आर ओपन आई, वो इसके बियॉन्ड जाके बात करते हैं। जो दुनिया का स्ट्रक्चर है यही तो भौतिकी है, पेड़ पौधे नदियां पहाड़ चांद सूरज सितारे जो हमें अपनी ओपन आई से नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें इसके बियॉन्ड है। अब आप कहेंगे सर उसके बियॉन्ड क्या है, उसके बियॉन्ड है हीवन, उसके बियॉन्ड क्या है हेल, उसके बियॉन्ड क्या है लाइफ आफ्टर डेथ, उसके बियॉन्ड क्या है डेथ का रूप, उसके बियॉन्ड क्या है इफ आई से कि समथिंग यू कैन से गॉड, एक गॉड का तस्वुर करना, गॉड का तस्वुर करना, ये सब जितना भी है। अब ये सब चीजें जो है आप देखेंगे दे हैव टेकन दीज सब्जेक्ट मैटर, दे हैव टेकन दीज पॉइंट एंड टेकिंग दीज पॉइंट दे टॉक अबाउट। सो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट यू कम टू नो अनडाउटली दे टॉक व्हाट मेटा प्लस फिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक्स माने फिजिकल वर्ल्ड। ये जो पोइट्री है तीसरा क्वेश्चन आता है या किसके खिलाफ थी कि इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री, इट वॉज अ रिवोल्ट INST अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। इट वॉज अ रिवोल्ट, यह एक रिवोल्ट था और किसके खिलाफ रिवोल्ट था, इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। ये पार्टिकुलर पॉइंट आपको लर्न कर लेना है कि यह किसके खिलाफ आती है, एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री के खिलाफ आती है। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री इसके पहले आया था, जिसमें मैंने बता दिया कि एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री में एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस यॉर्क एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, दे कम, दे हैव रिटन सम ब्यूटीफुल लिरिक्स, सम ब्यूटीफुल एलिजीज, सम ब्यूटीफुल सॉनेट्स, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, बट यू विल कम टू नो देयर पोएम्स वर हाईली इमोशनल। उनकी जो पोएम थी उसमें इमोशन को ज्यादा तरजीह दी गई थी, फीलिंग्स को ज्यादा तरजीह दी गई थी, थॉट को कम इम्पोर्टेंस दिया गया था, रीजन को कम इम्पोर्टेंस दिया गया था, इसीलिए यह पोइट्री जो रही है मेटाफिजिकल व उसके एक रिवोल्ट के एक तरह से था या उसके खिलाफ आया हुआ था। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। अब हम यहाँ पे ये भी पॉइंट करा देते, एलिजाबेथन एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री के वॉज हाईली इमोशनल, EMOTIONL इमोशनल कामा लिरिकल म्यूजिकल एंड एलिटरेटिव। इट डज नॉट हैव इट डज नॉट हैव एनी रूम फॉर इंटेलेक्चुअल फॉर रीजन एंड थॉट। फॉर रीजन एंड थॉट इट इंक्लूड्स पोयर्स लाइक सर थॉमस यॉर्क, हेनरी होवर्ड
और लापसरे कामा सर फिलिप सिडनी SIDNEY सर फिलिप सिडनी एंड नॉट एंड अभी एक और रह जाएंगे एडमंड स्पेंसर दिस इज SSPEN SER एंड विलियम शेक्सपियर दीज पोयर्स वी गेट देन यू विल कम टू नो कौन कौन से लोग आ रहे हैं अर्लाब सरे सर फिलिप सिडनी एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना होगा अर्लाब सरे सर फिलिप सिडनी एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर। उससे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही कि एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री वॉज हाईली इमोशनल या इसकी खासियत रही है हाईली इमोशनल लिरिकल म्यूजिकल एंड एलिटेटिव। जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये मार्किंग नजर आ रही है इट डज नॉट हैव एनी रूम फॉर रीजन एंड थॉट। ये दो शब्द आप जरूर ध्यान में रखिएगा रीजन और थॉट को इसमें कोई जगह नहीं थी। इट इंक्लूड्स पोएट लाइक सर थॉमस यॉर्ट एंड सॉरी हेनरी होवर्ड और लव सर। सो दीज थिंग्स यू फाइंड नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबने नोट कर लिया किसी को कोई प्रॉब्लम नाउ गेटिंग द नेक्स्ट पॉइंट दैट वाज व्हाट थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाउ फिफ्थ पॉइंट में जो आपको कवर करना है दैट इज व्हाट कि इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है जॉन ड्राइडेन DRYDEN जॉन ड्राइडेन यूज्ड द फ्रेज PHRASE जॉन ड्राइडेन यूज्ड द फ्रेज डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स जॉन ड्राइडन यूज द फ्रेज डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। यह चीज पूछा जा चुका है कि मेटाफिजिक्स शब्द को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया या किसने इस्तेमाल किया। तो मेटाफिजिक्स शब्द को सबसे पहली बार जॉन ड्राइडन ने इस्तेमाल किया यह कह करके क्या कहे कि उन्होंने कहा डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। ये बात किसने कही है जॉन ड्राइडन ने कही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार मैंने बताया है और मैं फिर से बता दूं तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर कौन है जॉन डन है। लेकिन मेटाफिजिक जो शब्द है जो फ्रेज है इसको जो है सबसे पहले किसने यूज किया है जॉन ड्राइडन ने यूज किया है। फादर जो स्कूल ऑफ पोइट्री है वो जॉन डन है लेकिन उन उस फादर के लिए ये शब्द किसने इस्तेमाल किया डन अफेक्ट मेटाफिजिक इसको किसने कहा जॉन ड्राइडन ने। फिर एक क्वेश्चन छठा बनता है कि डॉक्टर सैमुएल जॉनसन ओ माय गॉड डॉक्टर सैमुएल जॉनसन क्वाइंड COINED क्वाइंड द टर्म
डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्वाइन द टर्म? मेटाफिजिक्स। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किन्होंने मेटाफिजिक्स शब्द को क्वाइन किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये एक बड़ा नाम है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्वाइन, उन्होंने इसको क्वाइन किया है। कौन सा शब्द? मेटाफिजिक। किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन ड्राइडन ने। फादर कौन है? जॉन डन है। किस एज में आता है? जैकोबियन एज में आती है। किसके खिलाफ आया था? एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री के खिलाफ आया था। अब जानना ये है कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं? सातवां पॉइंट, एक तो जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में जॉन डन तो बड़ा नाम है ही है, जॉन डन, कामा, हर्बर्ट, कामा, पाउले, सी ओ डब्ल्यू एल ई वाई, काउले, कामा, वाउगन, वी ए यू जी एच ए एम, वाउगन, कामा, डेविनांट, बी ए वी ई एन ए एन टी, कामा, मार्वेल, कामा, एंड क्रशा। आर वेल नोन मेटाफिजिकल पोएट्स। मैं फिर से आपको बता दूं, हर्बर्ट, काउले, वाउगन, डेविनांट, मार्लो, क्रशा, ये वेल नोन मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग या डज नॉट कम इन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसमें जो है क्या दे दिया जाए, एक नाम सर फिलिप सिडनी का दे दिया जाए, तो ये पता होना चाहिए ना कि एलिजाबेथन में कौन आए, इसमें कौन आए, ऐसा ना हो कि इसका इधर से उधर आप हाँ, हाज पाज कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक की पॉइंट नंबर, टीएस एलियट मॉडर्न पोएट, हाँ मॉडर्न पोएट, और रोट अ क्रिटिकल एसे मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स अब उन्होंने लिखा हुआ है, उन्नीस सौ इक्कीस में, नहीं 1919 में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम आया था ना, मेटाफिजिकल पोएट्स। तो टी एस एलियट ने अ मॉडर्न पोएट रोट अ क्रिटिकल एसे, उस एसे का क्या नाम है? मेटाफिजिकल पोएट्स, जो 1921 में, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, किसने लिखा है, रोट अ मेटाफिजिकल, रोट अ क्रिटिकल एसे मेटाफिजिकल पोएट्स, टू एडमायर देम, उनकी प्रशंसा में, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल ये उठता है कि जो मेटाफिजिकल पोयर्स हैं उनकी क्या क्या खासियत रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहा है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द नाइन्थ स्लाइड होगा, उनकी खासियत में क्या क्या चीजें थी कि
एक तो उन्होंने यूज करते थे मेटाफिजिकल कंसी, PHYSICAL, मेटाफिजिकल कंसी, CONCEIT। दूसरा चीज, मेटाफिजिकल कंसीट के अलावा देवर, व्हाट देवर मेन ऑफ लर्निंग, दिस इज व्हाट, दिस इज द सी। एक और चीज वे क्या थे, मेन ऑफ लर्निंग थे, नई चीज को सीखने वाले थे, मेन ऑफ लर्निंग, LERNING। बिहेविंग, BEHAVING, बिहेविंग लाइक एन एडवोकेट। बिहेविंग लाइक एन एडवोकेट, एक्सेसिव यूज ऑफ सिमिली कामा मेटाफर, METAPHOR, एंड हाइपरबोल, हाइपरबोलिक। मैं फिर से बता दूं कि इस स्लाइड में मैंने बताया कि उनकी क्या क्या पोयम की खासियत थी। मेटाफिजिकल जो पोयर्स थे या मेटाफिजिकल पोयर्स ने किसका यूज किया है, मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया हुआ है। एक तो उनकी खासियत है मेटाफिजिकल कंसीट। अब आप कहेंगे कंसीट क्या होता है, कंसीट एक इमेज होती है जिसमें टू डिसिमिलर थिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है। अभी मैं कंसीट को अलग से लिखा दूंगा। वे मेन ऑफ लर्निंग थे, तो मेन ऑफ लर्निंग आपको बहुत आसानी समझ में आ गया, नई नई चीज को सीखने वाले थे, परंपरा पर ही नहीं चलते थे। मेन ऑफ लर्निंग, नई चीज, कुछ भी अगर नया हो रहा है, कुछ नई चीज आ रही है तो वे इसको सीखते थे। बिहेविंग लाइक एन एडवोकेट, और एडवोकेट जैसा बिहेव करते थे, दलील पे दलील देते थे, अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, आर्गूमेंट देते थे, तर्क देते थे, थॉटफुल पर्सन थे, उनमें इंटेलेक्चुअलिटी थी, मेन ऑफ लर्निंग थे, ये सारी चीजें। एक्सेसिव यूज ऑफ सिमिली मेटाफर हाइपरबली का बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी और इसे में आपको लिखना पड़ेगा। एक और उनकी पोएम की खासियत थी एब्रप्ट स्टार्टिंग। एब्रप्ट स्टार्टिंग का मतलब सडन स्टार्टिंग होता था, स्टार्टिंग। फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, EMOTION, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्रप्ट स्टार्टिंग रहा है, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन रहा है, दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एब्रप्ट स्टार्टिंग, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, यह एक दूसरा पॉइंट था। मतलब थॉट और इमोशन को जोड़ करके चलते थे, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, एब्रप्ट स्टार्टिंग, फारफेच्ड इमेजेस, FAR, FETCHED, फारफेच्ड इमेजेस। फारफेज्ड इमेजेस का मतलब ऐसी इमेजेस को लाते थे जो ऐसा लगता था अपनी दुनिया से नहीं बिलोंग करता। केवल ऐसा नहीं कि अर्थली ऑब्जेक्ट का इमेज लाते थे, वे प्लैनेट की बात करते थे, उसके रोटेशन की बात करते थे, फ्लड की बात करते थे, स्टॉर्म की बात करते थे, अर्थक्वेक की बात करते थे। इस तरह की इमेज हमारे सामने आते हैं जो डेली लाइफ में नहीं देखने को मिलता, फारफेज्ड इमेजेस। बाकी बता ही दिया गया कि देवर मैन ऑफ लर्निंग थे और उन्होंने एब्रप्ट स्टार्टिंग रही है, और उनका जो पोयम है वो ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में रहा है, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में, DRAMATIC, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में उनकी पोयम रही है। इसके अलावा जो है ड्रामेटिक लिरिक, या इन सब के अलावा यू विल कम टू नो
एक और चीज भी देखने को आपको मिलेगा कि ज्यादातर लव पोयम, ड्रामेटिक लिरिक और ज्यादातर उनकी पोयम लव पोयम रही है। ये सब खासियत रही है कि फारफेज्ड इमेजेस, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में और लव पोयम्स, इन सब में से अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही तो आप बता दिए, क्योंकि मुझे स्लाइड को फिर से डिलीट करना पड़ेगा। आई विल टेक ओनली 5 मिनट या उससे कम ही मैं लूंगा, आप लोग परेशान होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट, कंसीव डिफाइन कर दे रहे, ठीक है। और किसी को फारफेच्ड इमेज, ठीक है। और कोई किसी को, इफ्फत मैडम ने ज्वाइन किया है, मैडम आपको कोई दिक्कत? व्हाट इज एल्यूजन? एल्यूजन ये शिवा मैडम पूछ रही है। अच्छा, ओके, ज्योति, ठीक है, एल्यूजन है। और नो, नॉट एट ऑल, ठीक। शिवा जी आपको कोई दिक्कत? आरती पाल मैडम, शिवा मैडम, अच्छा इफ्फत मैडम, या ओके ओके, टेक मीस 2 या 3 स्लाइड्स बस। सबसे पहला पॉइंट क्या आपने पूछा कि कंसी, CONCEIT, कंसीट, ये चीज लर्न भी कर लीजिएगा। कंसीट का मतलब होता है कि एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टूगेदर, टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टूगेदर। कंसीट एक ऐसी इमेज है जिसमें क्या किया जाता है, टू डिसिमिलर, ये पॉइंट, टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टूगेदर, दो असमान चीजों को साथ साथ रखा जाएगा। जैसे अगर आपको याद होगा कि पोएट ने अपनी एक पोयम में क्या नाम है जिसका अवेंडिक्शन फॉर बिल्डिंग मॉर्निंग है, उसमें कंपेयरिंग ऑफ सोल, कंपेयरिंग ऑफ सोल्स विद द टू नीडल्स ऑफ कंपास, नीडल का NIDDLE है या क्या है, देखने, नीडल ऑफ कंपास, NIDDLE, हाँ, NEXXI की जगह NDDLE, आई हैड लिखी, NEE फिर DLE है, DDD फिर नहीं होगा, हाँ फिर सिंगल डी होगा, NEEDLE, सो दिस वे यू फाइंड कि ये चीजें COMPASS। सो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको याद होगा वेल डिक्शन फॉर बिल्डिंग मॉर्निंग एक पोयम है जिसमें लवर और बिलव्ड के सोल की तुलना, सोल जो है सोचिए कि एक अलग चीज है, वह अब्स्ट्रैक्ट है, उस अब्स्ट्रैक्ट चीज की तुलना किससे की जा रही है, विद द टू नीडल ऑफ द कंपास से की जा रही है। तो इस तरह का जो तुलना होता है, जो डिसिमिलर थिंग होती है, जब आप दो डिसिमिलर थिंग्स को साथ साथ रखने की कोशिश करते हैं या उसमें सिमिलरिटी दिखाते हैं, तो उसको मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है। कंसीट इज एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टूगेदर। रमा मैडम का ये था कि जो है फारफेज इमेजेस, फारफेज FETCHE, फारफेज इमेजेस, फारफेज इमेजेस वह इमेजेस होता है जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसी इमेज जो हमारी अपनी कॉमन लाइफ से नहीं होता, एन इमेज एन इमेज विच
वी डू नॉट सी सी इन आर लाइफ, इन आर कॉमन लाइफ, इन आर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ एज रोटेशन ऑफ प्लैनेट, अर्थक्वेक, दिस इज जो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा ना, जैसे रोटेशन ऑफ प्लैनेट पर अगर आप बात करते हैं तो ना तो आपने उसको देखा, उसकी बहुत अच्छी तस्वीर आपके सामने नहीं, अर्थक्वेक आपको हमेशा डे टू डे लाइफ में नहीं मिलेगा, फ्लड हुआ, इस तरह का इमेजेस। एक वर्ड शिवा मैडम ने पूछा था, एल्यूजन, नॉट शिवा, आई थिंक की काम भूल गए फिर से, एल्यूजन, एल्यूजन के लिए बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, इट्स अ पासिंग रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस, आर ई एफ ई आर ई एल सी ई, इट्स अ पासिंग रेफरेंस। दिस पासिंग रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कहीं का कोई कैरेक्टर, कहीं की कोई पोयम की लाइन ला करके कहीं दूसरी जगह यूज कर दी जाए और फिर उसके बाद उसको जो है वहां पे प्रेजेंट किया जाए, उसको क्या कहा जाता है, एल्यूजन कहा जाता है। और टी एस एलियट ने इसका बहुत ज्यादा यूज किया होता है, वी फाइंड इट वेर इन द पोइट्री ऑफ टी एस एलियट। तो आई थिंक हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए। ज्योति मैडम कोई प्रॉब्लम एल्यूजन को लेके? या अनडाउटली इट है, एल्यूजन एक ऐसा चीज है जो ऐसा हम नहीं कह सकते ओनली इट हैज बीन यूज्ड बाय टी एस एलियट या मेटाफिजिकल पोएट्स, यू विल कम टू नो मोस्ट प्रोबेबली इन इंग्लिश लिटरेचर मोस्ट ऑफ द पोएट्स, इवन इवन शेक्सपियर हैज यूज्ड। शेक्सपियर को अब आप कैसे पाएंगे, शेक्सपियर ने जब कभी किसी खास करके जो उन्होंने रोमन ट्रेजिडीज उनका है लव ट्रेजिडीज में जब वो कैरेक्टर को लेके या कहीं की चीजें ला के रखते हैं तो वहां पे आपको एल्यूजन मिलेगा, इन्होंने भी यूज किया है, बाद में रोमांटिक पोएट्स में भी आपको देखने को मिलेगा उन्होंने भी यूज किया, ऐसा नहीं कि दिस इज ओनली द पोएट, एल्यूजन इन्होंने भी यूज किया, ये भी लिटरेरी टर्म का ही हिस्सा है। तो एक और पॉइंट अभी आपको और लेना है, दो स्लाइड में डिलीट करूंगा, इसके जो इंपॉर्टेंट पोएम्स पोएट्स थे जान डन, उनकी पोएम की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कि उनकी कौन कौन सी पोएम आपको ध्यान में रखना चाहिए। जान डन का जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनमें से एक उनका पोयम है दफली, दूसरा है द कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन, तीसरा है गुड मॉरो, चौथा अवेल डिक्शा फॉरबिडिंग मॉर्निंग, फॉरबिडिंग मॉर्निंग एम ओ यू आर मॉर्निंग यहां विलाप करने वाला, पांचवा डेथ शैल नॉट बी प्राउड, छठा गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, और भी पोएम्स रही है, बाकी आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, हॉली सॉनेट, हॉली सॉनेट्स उनका कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स रहा है। So in this way you will come to know in this class what we have done Jacobian age, we have done metaphysical poets, we have done Ben Jonson, we have done Shakespeare, authorized version of the Bible, और जो भी चीजें रही हैं। So now concluding it, just I want to know the response of some people. निखत, आपसे बहुत दिनों से मैंने क्वेरी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आपको निखत? पूनम, कोई प्रॉब्लम? अच्छा शिवाजी, कोई प्रॉब्लम?
अच्छा आरती मैडम, आरती मैडम, अंजलि मैडम, कोई प्रॉब्लम? मैडम नॉट गेटिंग योर वॉइस। ओके 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 रमेश जी, नीलम मैडम, नीलम मैडम, ठीक है मैडम। राकेश कुमार, सोनाली मैडम, मनोज भाई के फैमिली, मैडम जी आप ही बताइए। शिल्पी मैडम, उषा मैडम, उषा मैडम, अच्छा ओके ओके, ज्योति मैडम, ज्योति मैडम, ओके 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 मैडम, चंद्र प्रकाश भाई, गुड इवनिंग, ओके ओके ओके, टेक केयर टेक केयर। अंजलि मैडम एंड चंद्र प्रकाश, यू ऑल हैव टू, या यू ऑल हैव टू, आई एम नॉट सेइंग कि आइसोलेट योर सेल्फ, बट यू हैव टू टेक केयर योर सेल्फ। या धर्म प्रिया मैडम, धर्म कोई प्रॉब्लम? अखिलेश भाई, डांस सिंह जी, शिवांगी मैडम, प्रीति सागर मैडम, अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है। राजेश भाई से अंबुज राव, दीक्षा, दीक्षा मैडम, दीक्षा मैडम, ठीक है ठीक, ओके मैडम ओके। शिवपाल भाई से बात होती रहती, रहीम जी, वर्तिका मैडम से बहुत दिनों से मैंने क्वेरी नहीं किया, वर्तिका मैडम जी, रमेश कुमार। सो मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल हैव ज्वाइन दिस सेशन एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और कल आपको सबसे पहला काम करना है, जितना आज पढ़ाया गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू हैव टू प्रिपेयर इट, कल सबसे पहले 15 या 10 मिनट केवल इस पर सुना जाएगा, ओरल टेस्ट होगा इसी का, और आपको कुछ तैयार नहीं करना, इसी का ही ओरल टेस्ट होगा जो टॉपिक पढ़ाएगा, बस इतना ही आपको।